हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। एलडीए भ्रष्टाचार पर मौर्य की शिकायत पर योगी सख्त। केशव ने एलडीए में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लिखी थी चिट्ठी। पहली कार्रवाई में 11 फर्मों को ब्लैकलिस्टेड किया गया। एलडीए में 6 महीने से लेकर 1 साल तक की रोक लगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी थी। डिप्टी सीएम की शिकायत का संज्ञान लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 11 फर्मों की परफॉर्मेंस में कमी को देखते हुए उन पर कार्रवाई की है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम को पत्र लिखकर एलडीए में गंभीर भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा किया था। एलडीए प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए एलडीए में लंबे समय से काम कर रहे ठेकेदार की लापरवाही पर उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। इसमें एमएस कॉन्ट्रैक्टर, इंदु प्रोजेक्ट, सिंटेक्स, एशिया कंस्ट्रक्शन, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, पवन सुत कंस्ट्रक्शन, रुपेश कुमार सिंह, नरेश इंटरप्राइजेज, पूनम इंटरप्राइजेज और एसआर इंफोटेक को बैन किया गया है। वहीं एलडीए में कंपनियों पर 6 महीने से लेकर 1 साल तक के लिए रोक लगाई गई है। ऐसा एलडीए की तमाम योजनाओं में मानक के हिसाब से काम न करने पर कार्रवाई हुई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर लखनऊ विकास प्राधिकरण में हुए घोटाले को लेकर एक लिस्ट भेजी थी। इस पत्र में कमर्शियल प्लॉटों के आवंटन से लेकर तमाम दूसरी प्रॉपर्टीज को बेचे जाने, निर्माण में घपले और दूसरे फर्जीवाड़े के बारे में शिकायत की गई थी। डिप्टी सीएम के पत्र से एलडीए में हड़कंप मच गया था। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने पत्र में पुरानी योजनाओं की गायब फाइलों और लखनऊ के प्राइवेट बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने के मामले में भी शिकायत की थी। उप मुख्यमंत्री के ये पत्र भेजे जाने के बाद विभाग ने घोटाले में शामिल सभी अधिकारियों से जवाब तलब भी किया है। पत्र में उप मुख्यमंत्री ने लखनऊ विकास प्राधिकरण में भारी अनियमितताओं की शिकायत की थी। इस पत्र में 9 दिन पुरानी कंपनी को प्लॉट आवंटन करना, विभाग से गायब हुई फाइलों और प्लॉटों के समायोजन में हुए भ्रष्टाचार का भी जिक्र किया गया था। पत्र में केशव ने रोहतास बिल्डर के फर्जीवाड़े पर एलडीए की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए थे। पत्र के मुताबिक बिल्डर के ऊपर एफआईआर दर्ज है, फिर भी अधिकारी बिल्डर पर मेहरबान है। पत्र में कई कंपनियों को ब्लैकलिस्ट न करने पर भी सवाल उठाए गए थे। अब इसी पे कार्रवाई करते हुए एलडीए ने ऐसी कई कंपनियों को और ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। डिप्टी सीएम की इसी शिकायत पर सीएम योगी ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।